inlet. ये हमारा आउटलेट हमारा 7 इंची टैंक निप्पल टंकी कनेक्शन बोलते हैं जिसे हाथ से फुल टाइट कर देंगे ये है हमारी एफपीटी जिसमें अंदर रबर दी है हम इसमें टेफ्लॉन कस भी सकते हैं नहीं भी लेकिन लीक ना मारे इसलिए हम कस दे रहे हैं राउंड कसना चाहिए टाइट आ जिससे हमने टेफ्लॉन इसलिए कम लगाया है क्योंकि इसमें अंदर रबर दी हुई है ये देख सकते हैं आप अंदर रबर दिख रही है ये सबसे पहले लगाते हैं ये हमारा एस्ट्रॉल का सामान है एस्ट्रॉल इसको साफ कर लो ताकि ये नल में ना जाए आउटलेट हमारा टंकी वाला 7 इंची का है और जो नीचे जा रहा है वो 1 इंची का है इसलिए हम इसको मोटा कर रहे हैं क्योंकि दो फ्लोर पे जाएगा प्रेशर तेजी से जाए नीचे ये टंकी में लगाएंगे और अभी आगे चल के दिखाऊंगा कि इसके पीछे टंकी दिख रही है वाली टंकी दिख रही है टंकी और ये कनेक्शन ऐसे क्यों किए हैं वो भी बताऊंगा ये पुराने पाइप जो हम यूज कर रहे हैं अगर ये टंकी वो टंकी पहले भरना है तो वो भर लेंगे ये भरना है तो ये भर लेंगे नहीं तो इसका ओवरफ्लो 1000 लीटर की टंकी का 1000 लीटर की टंकी और ये 500 लीटर की इसलिए हम ये अलग अलग वॉल लगा रहे हैं एक वॉल इसमें लगेगा एक टंकी में ये टी के थ्रू ये टी देख पा रहे हैं ये टी के थ्रू उसमें जाएगा
कहाँ लगाएंगे। ये हो गया हमारा भरपूर टंकी कनेक्शन। ये हमारा ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो से दूसरे टंकी का गिरेगा। ये वॉल सिस्टम दिया है मोटर का, इधर भरना चाहे तो इधर भर ले, इधर भरना चाहे तो इधर भर ले। ये दूसरी टंकी का मोटर कनेक्शन और यहाँ पे एक नल भी दे दिया है। ये एयर पाइप, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।